पत्ता गोभी और गोभी की फसल उगाई गई है। कुछ स्थानों पर फ्रासबीन भी उगाई गई है। मकई की फसल के बाद गोभी, फ्रासबीन, साग आदि की फसल लगाई जाती है, जिसका कि दाम बाजार में अच्छा मिलता है। टमाटर की फसल भी अब पूरी हो चुकी है और इसकी जगह पर किसान अब गेहूं और चना और मसूर आदि की बिजाई शुरू करेंगे, परंतु अभी सूखा है और बारिश का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही बारिश होगी तो इन खेतों में गेहूं, चना, मसूर आदि की फसल लगाई जाएगी। मक्की के जो बचे हुए घास और जिसको कि लोकल भाषा में टांडे कहते हैं, पशुओं के काम आते हैं, जिसे कि पशु बड़े चाव से खाते हैं। किसान इन्हें धीरे धीरे से काटते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना काटकर ये घर ले जाकर पशुओं को खिलाते हैं। खेतों में आजकल लोग कम नज़र आते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े ही स्थान पर खेतों में गोभी, फ्रासबीन आदि की फसल है। इसको सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो कि इन्होंने स्टोर किया होता है। बरसात का पानी उसे अब इस्तेमाल किया जाएगा।